हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि हम सर्वलेट को कैसे बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ HTTP सर्वलेट क्लास। ये जो क्लास है फ्रेंड, ये जो क्लास है वो जावा एक्स डॉट सर्वलेट डॉट HTTP पैकेज के अंदर है, और हम लोग आज ये देखेंगे कि हम विद द हेल्प ऑफ दिस क्लास हाउ कैन वी क्रिएट अ सर्वलेट, यूज़र डिफाइंड सर्वलेट। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा प्रॉपर समझना पड़ेगा कि सर्वलेट इंटरफेस है, उसका चाइल्ड कौन सा है, और ये जो HTTP सर्वलेट है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमको, जैसा कि हम लोगों ने सीखा है कि हमारे पास एक सर्वलेट इंटरफेस है, ये जो है वो मेन इंटरफेस है। इसी सर्वलेट के पास सारी प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल हैं सर्वलेट को क्रिएट करने के लिए। तो जब भी हम लोग सर्वलेट क्रिएट करते हैं तो हम लोग इस सर्वलेट को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, और हम लोगों ने अपने पिछले वीडियोस में ये भी समझा था कि हम लोग सर्वलेट इंटरफेस की हेल्प से कैसे सर्वलेट क्रिएट कर सकते हैं। और इसके पास 5 मैथड्स हैं, और वो 5ों मेथड हम लोगों ने डिस्कस किए थे, और हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि कैसे हम लोग सर्वलेट को यूज़ करेंगे अपना यूज़र डिफाइंड सर्वलेट बनाने के लिए। उसके बाद इसके इसका एक चाइल्ड एब्स्ट्रैक्ट क्लास है जेनरिक सर्वलेट। ये जेनरिक सर्वलेट क्या करता है, इसके सारे मेथड को ओवरराइड करता है, इसकी बॉडी देता है एक्सेप्ट सर्विस मेथड। तो होता क्या है कि जब भी हम लोग सर्वलेट की हेल्प से सर्वलेट क्लास की हेल्प से यूज़र डिफाइंड सर्वलेट बनाते हैं, तो उस केस में हमें कई सारे मेथड ओवरराइड करने पड़ते हैं, जैसे सर्विस, इनिट, डिस्ट्रॉय, गेट सर्वलेट, कॉन्फिग, गेट सर्वलेट। तो ये चीज़ अवॉइड करने के लिए, क्योंकि जो हमारे लिए यूज़फुल मेथड है वो सर्विस मेथड है, तो जेनरिक सर्वलेट में किया क्या गया, सारे मेथड्स को ओवरराइड कर दिया, यहाँ के सारे मेथड्स को यहाँ पे लिख दिए गए हैं, सिर्फ एक मेथड को छोड़ के, और वो मेथड है सर्विस। तो फ्रेंड्स, सिर्फ इस जेनरिक सर्वलेट के पास सर्विस की बॉडी नहीं है, बाकी सबकी बॉडी। तो जब भी हम लोग यूज़र डिफाइंड सर्वलेट में ये जेनरिक सर्वलेट को एक्सटेंड करते हैं, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, तो फिर हमें सिर्फ सर्विस मेथड की इम्प्लीमेंटेशन देनी होती है। लेकिन लेट अस सपोज आप जो वेबसाइट बनाओगे वो कॉल होगी ब्राउज़र की हेल्प से, तो ब्राउज़र जब भी रिक्वेस्ट भेजता है तो वो रिक्वेस्ट या तो गेट मेथड के फॉर्म में भेज सकता है या पोस्ट मेथड के फॉर्म में भेज सकता है। बेसिकली जो ज़्यादा यूज़ होता है यही दो मेथड यूज़ होते हैं। तो उन दोनों मेथड को ये जेनरिक सर्वलेट का जो सर्विस मेथड है वो सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि इसके पास एक सर्विस मेथड है। अब रिक्वेस्ट चाहे गेट के फॉर्म में आए चाहे पोस्ट के फॉर्म में आए, ये सर्विस ही बार बार कॉल करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक और क्लास आई HTTP सर्वलेट, जो कि इसकी चाइल्ड क्लास है, और ये अवेलेबल है हमारे पैकेज में जावा एक्स डॉट सर्वलेट डॉट HTTP पैकेज के अंदर, उसके अंदर ये क्लास है। और इसने क्या किया है, इसने सर्विस मेथड की बॉडी दी, और सर्विस मेथड के अंदर से प्रोटोकॉल स्पेसिफिक मेथड्स कॉल किए, जैसे डू गेट, डू पोस्ट, डू पुट, डू रीड, डू ट्रेस। इसी तरह प्रोटोकॉल HTTP प्रोटोकॉल स्पेसिफिक जो भी फंक्शनैलिटी है वो इस HTTP सर्वलेट इसके पास है। तो जब भी हमें वेबसाइट बनानी है जिसमें ये सपोर्ट करना है कि भाई हमारा जो सर्वलेट हो HTTP का गेट मेथड सपोर्ट करे, HTTP का पोस्ट मेथड सपोर्ट करे, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग HTTP सर्वलेट को एक्सटेंड करेंगे, ना कि जेनरिक सर्वलेट को, और ना कि सर्वलेट को इम्प्लीमेंट करेंगे। क्योंकि हम जब भी वेबसाइट बनाएंगे तो गेट मेथड के फॉर्म में रिक्वेस्ट भेजेंगे या फिर पोस्ट मेथड फॉर्म में रिक्वेस्ट भेजेंगे, तो हम लोग को यूज़ करना चाहिए HTTP सर्वलेट। और ये जो है वो HTTP प्रोटोकॉल स्पेसिफिक फंक्शनैलिटीज़ हैं इसके पास, तो हम लोग मोस्टली यूज़ करते हैं HTTP सर्वलेट को। तो हम लोग देखते हैं, जब हम लोग यूज़र डिफाइंड सर्वलेट बनाते हैं तो ये बेसिकली हमारा यूज़र डिफाइंड सर्वलेट है। ये हमारा क्या है, यूज़र यूज़र डिफाइंड सर्वलेट है। तो जब भी हम ऐसा कोई सर्वलेट बनाते हैं, यूज़र डिफाइंड सर्वलेट एक क्लास बनाते हैं, उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि या तो हम इम्प्लीमेंट कर लें सर्वलेट इंटरफेस, तो सबसे पहला ऑप्शन है हम इसको क्या कर लें, या तो इम्प्लीमेंट्स कर लें सर्वलेट को। और अगर इम्प्लीमेंट करते हैं हम इस इंटरफेस को, तो यहाँ के जितने मेथड है 5 के 5ों मेथड की हमें यहाँ बॉडी देनी पड़ेगी, विच इज़ ए वेरी टायर्ड टायर्ड प्रोसेस। उसको नहीं करना चाहिए हम लोग को, ये बहुत, मतलब आप हर बार एक रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के लिए 5 मेथड ओवर राइट करोगे, राइट करो, वो आप टायर्ड हो जाओगे करने करने। तो हम लोग क्या करेंगे, एक हमारे पास दूसरा ऑप्शन है, ये बेस्ट ऑप्शन है दूसरा, हम लोग को क्या करना चाहिए, हम लोग को एक्सटेंड कर लेना चाहिए जेनरिक सर्वलेट, हम लोग को जेनरिक सर्वलेट एक्सटेंड कर लेना चाहिए। और अगर हम लोग एक्सटेंड करते हैं जेनरिक सर्वलेट, तो हमें सिर्फ एक ही मेथड ओवरराइड करना पड़ेगा, और वो है सर्विस मेथड, क्योंकि ऑलरेडी सारे मेथड के बॉडीज ने दे दिया। तो अब हम लोग इस रास्ते पे जाएंगे जेनरिक के पास, और जेनरिक के पास ऑलरेडी सिर्फ एक ही मेथड इनकम्प्लीट है सर्विस, तो हम लोग यहाँ सर्विस लिख। या अगर आप ये ऑप्शन नहीं चूज़ करते हो तो आपके पास एक और ऑप्शन है, और वो ऑप्शन है
आप एक्सटेंड कर लीजिए HTTP सर्वलेट को, तो आप एक्सटेंड कर सकते हो HTTP सर्वलेट। बट अब क्वेश्चन क्वेश्चन आती है कि क्यों एक्सटेंड करेंगे भाई हम HTTP सर्वलेट को। तो अगर आपको प्रोटोकॉल स्पेसिफिक फंक्शनैलिटीज़ अपने सर्वलेट में सपोर्ट करनी है, दैट मीन्स आप चाहते हो कि हम रिक्वेस्ट गेट के फॉर्म में भेज पाएँ, रिक्वेस्ट पोस्ट के फॉर्म में भेज पाएँ, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे HTTP सर्वलेट। और अगर आप HTTP सर्वलेट एक्सटेंड कर लेते हो उस केस में आपको सर्विस मेथड ओवरराइड नहीं होता करना होता है, क्योंकि अब आपको प्रोटोकॉल स्पेसिफिक, अगर आप गेट के फॉर्म में भेजोगे तो डू गेट मेथड चाहिए होगा, अगर आप पोस्ट के फॉर्म में भेजोगे तो डू गेट पोस्ट चाहिए होगा, डू पोस्ट मेथड चाहिए होगा, अगर आप पुट के फॉर्म में रिक्वेस्ट भेजोगे तो डू पुट मेथड चाहिए होगा। इसी तरह इस क्लास के पास बहुत सारी प्रोटोकॉल स्पेसिफिक फंक्शनैलिटीज़ हैं। तो जब भी हम ये तीसरा तरीका यूज़ करेंगे एक्सटेंड HTTP सर्वलेट, तो हमें ये चीज़ ध्यान रखना होगा कि जो रिक्वेस्ट आ रही है वो गेट के फॉर्म में आ रही है या रिक्वेस्ट आ रही है पोस्ट के फॉर्म में आ रही है, और हमें उसी मेथड स्पेसिफिक यहाँ पे फंक्शन या फिर मेथड बनाना होगा। अगर जो रिक्वेस्ट आ रही होगी वो गेट की रिक्वेस्ट होगी तो हमें डू गेट ओवरराइड करना होगा, अगर रिक्वेस्ट आ रही होगी वो पोस्ट की रिक्वेस्ट होगी तो डू पोस्ट ओवरराइड करना होगा। इसी तरह हम लोग काम कर पाएंगे HTTP सर्वलेट के साथ। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि देखते हैं कि हम लोग अपने नेटबीन्स में कैसे हम लोग HTTP सर्वलेट को यूज़ करके एक सर्वलेट बना सकते हैं और उसको कॉल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पास नेटबीन्स IDE ओपन है और उसमें हमने एक प्रोजेक्ट बना लिया यूट्यूब नाम से, और हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे एक सर्वलेट क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ HTTP सर्वलेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को सर्वलेट क्रिएट करना है, तो हम आएंगे सोर्स पैकेजेस में और यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे न्यू न्यू जावा क्लास, और हम क्लास का नाम दे देंगे माई सर्वलेट और इसको एक पैकेज में रख देंगे com.practice। और फिर हम क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे। तो यहाँ पे एक पैकेज क्रिएट हो जाएगा com.practice और उसके अंदर एक क्लास क्रिएट हो जाएगी माई सर्वलेट क्लास। और फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम कुछ क्लासेस इंपोर्ट करेंगे। सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे import java x.servlet पैकेज की सारी क्लासेस, और उसके बाद हम इंपोर्ट करेंगे import java x.servlet.http पैकेज की सारी क्लासेस। तो स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी। और ये वाला जो पैकेज स्टेटमेंट है इसको हम सबसे पहला स्टेटमेंट कर देंगे, तो हमारा यहाँ पैकेज इंपोर्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एक्सटेंड्स और एक्सटेंड्स के बाद लिखेंगे HTTP सर्वलेट और एंटर कर देंगे। तो जब हमने HTTP सर्वलेट ओपन किया इसका मतलब नेटबीन्स हमें कोई भी वार्निंग नहीं दे रहा है कि आप मेथड को ओवरराइट करो या फिर इम्प्लीमेंट करो। इसका मतलब ये जो HTTP सर्वलेट है वो एक सिंपल कॉन्क्रीट क्लास है जिसके पास सारे मेथड्स की बॉडी है, और अगर हम HTTP सर्वलेट को देखना चाहते हैं तो हम कंट्रोल दबाएंगे और HTTP सर्वलेट पे क्लिक करेंगे। फ्रेंड्स तो यहाँ पे हमारा HTTP जो क्लास है ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे आप देखिए HTTP सर्वलेट एक्सटेंड्स जेनरिक सर्वलेट, तो जेनरिक सर्वलेट को ये क्या कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है। उसके बाद जब हम लोग क्लिक करेंगे यहाँ पे जेनरिक सर्वलेट पे, तो ये जो जेनरिक सर्वलेट है वो इंप्लीमेंट कर रहा है हमारे सर्वलेट इंटरफेस को। इसका मतलब जो हायरार्की मैंने वहाँ पे दिखाई थी वो एग्जैक्ट सही थी, और यहाँ पे वही हायरार्की है जेनरिक जो सर्वलेट इंटरफेस है। एक बार इस पर भी क्लिक कर लेते हैं, तो सर्वलेट इंटरफेस है ये एक इंटरफेस है जिसके पास वो सारे मेथड्स थे। उसके बाद जेनरिक इंटरफेस है उसका एक चाइल्ड, और उसके बाद हमारा HTTP सर्वलेट है उसका चाइल्ड। अब हम लोग इसको एक्सटेंड कर रहे हैं, तो अगर हम लोग इसको एक्सटेंड किए हैं तो हम लोग को बॉडी देनी पड़ेगी जो जिस मेथड से हम लोग रिक्वेस्ट भेजेंगे। तो हम लोग सबसे पहले रिक्वेस्ट भेजेंगे गेट मेथड से, तो हम लोग यहाँ बॉडी देने जा रहे हैं गेट मेथड से। तो बॉडी देना से नेटबीन्स में बहुत सिंपल है, आप लिखेंगे पब्लिक वॉइड डू गेट, और जैसे डू गेट लिखोगे तो इसके पैरामीटर में दो आर्गुमेंट देने हैं, एक सर्वलेट रिक्वेस्ट और एक सर्वलेट रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे जो ये मेथड है वो HTTP प्रोटोकॉल स्पेसिफिक है, तो यहाँ पे सर्वलेट को हम लिखेंगे HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट कॉमा HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स, और ये दो एक्सेप्शन थ्रो करता है, तो हम थ्रोज लिख देंगे थ्रोज सर्वलेट एक्सेप्शन कॉमा आयो एक्सेप्शन, और हम अपने मेथड की बॉडी स्टार्ट करेंगे, मेथड की बॉडी क्लोज कर देंगे। तो फ्रेंड हमारा यहाँ डू गेट मेथड ओवरराइड हो गया। अब हम यहाँ पे कोई कंसोल पे आउटपुट देना है, तो हम लिख देंगे system.out.println दिस इज गेट मेथड, तो ये प्रिंट करेगा कंसोल पे। अगर मुझे
ब्राउज़र पर राइट करना था, डायनेमिक रिस्पॉन्स जनरेट करना है, तो हम लोग को यूज़ करना पड़ेगा ये रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट का। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल लेंगे प्रिंट राइटर और प्रिंट राइटर आउट, और हम रिस्पॉन्स से निकालेंगे रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर, और फिर हम आउट डॉट प्रिंट की हेल्प से हम कोई HTML प्रिंट कर सकते हैं। तो हम HTML यहाँ पे लिख देते हैं, थोड़ा सा H1 लिख देंगे, दिस इज़ गेट मेथड ऑफ माई सर्वलेट, और H1 को हम लोग बंद कर देंगे। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपने रेस्पॉन्स में कंटेंट टाइप सेट करेंगे, जिसका मतलब है कि हम रेस्पॉन्स में किस टाइप का डेटा भेजने वाले, ये भी सेट कर देंगे। तो रेस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप, और हम पास कर देंगे कि भैया हम यहाँ से भेज रहे हैं क्या टेक्स्ट जो कि HTML टाइप का होगा। दैट्स इट, अब हमारा सर्वलेट रेडी है। इस सर्वलेट के पास एक फंक्शनैलिटी है कि ये गेट मेथड का रिस्पॉन्स दे सकता है, तो जब भी हम गेट मेथड से कोई भी रिक्वेस्ट भेजेंगे तो डू गेट एक्सिक्यूट हो जाएगा और ये सारा काम हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजने की कोशिश करते हैं। तो रिक्वेस्ट कैसे भेजेंगे, सबसे पहले इस सर्वलेट की मैपिंग करनी पड़ेगी वेब डॉट एग्जाम्पल में। तो हम लोग चलेंगे वेब INF में, और यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे चलेंगे, और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा स्टैंडर्ड डेवलपमेंट डिस्क्रिप्टर, इसका मतलब वेब डॉट एग्जाम्पल फाइल बना लेंगे और फिनिश कर देंगे, और इसमें हम लोग मैपिंग करेंगे। तो हम वेब ऐप टैग के अंदर आ जाएंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे सर्वलेट, और सर्वलेट जो टैग है इसको हम क्लोज कर देंगे। सर्वलेट, और इसके अंदर दो और टैग हैं, सब टैग, एक है सर्वलेट नेम और सर्वलेट नेम दे देते हैं माई सर्वलेट, और एक है सर्वलेट क्लास, तो हम इसमें सर्वलेट क्लास दे देंगे, फुल्ली क्वालिफाइड क्लास नेम, दैट मीन्स पैकेज का नाम और क्लास का नाम साथ में। तो पैकेज का नाम था कॉम डॉट प्रैक्टिस, तो हम लिखेंगे कॉम डॉट प्रैक्टिस डॉट माई सर्वलेट। उसके बाद हमें एक और बनाना पड़ेगा, एक और टैग जिसका नाम है सर्वलेट मैपिंग, सर्वलेट मैपिंग, और यहाँ पे हम लोग इस टैग में लिखेंगे सबसे पहले सर्वलेट नेम में अपना वही वाला नाम देंगे माई सर्वलेट मैपिंग करने के लिए, उसके बाद लिखेंगे URL पैटर्न में हम लोग लिख देंगे माई सर्वलेट। तो फ्रेंड, जब भी हम लोग ये माई सर्वलेट अपने वेबसाइट के बारे में फायर करेंगे तो हमारा वो सर्वलेट चलेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं और हम लोग इसको रन करने की कोशिश करते हैं। तो हम राइट क्लिक करेंगे और रन कर देंगे। तो जैसे रन करेंगे तो ये हमारा जो वेबसाइट है ये ब्राउज़र में ओपन हो जाएगी यहाँ पे, और हम टाइप करने की कोशिश करते हैं माई सर्वलेट और एंटर करते हैं, एक बार क्रॉस चेक करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आउटपुट आ गया दिस इज गेट मेथड ऑफ माई सर्वलेट। अब हम यहाँ जो भी आउटपुट देंगे वो वहाँ पे आ जाएगा गेट मेथड के फॉर्म में। हम यहाँ पे अगर डेट प्रिंट करना चाहें तो हम आउट डॉट प्रिंट एल एम, हम लिख सकते हैं यहाँ पे आउट डॉट, या हम लिख सकते हैं न्यू डेट क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेंगे और इसको कन्वर्ट कर देंगे टू स्ट्रिंग में। तो अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे हमारा सर्वलेट चल जाएगा, तो डेट प्रिंट जाएगा। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे HTTP सर्वलेट की हेल्प से सर्वलेट बना लिया हम लोगों ने, और हम लोग क्या कर सकते हैं, गेट मेथड के फॉर्म में रिक्वेस्ट भेज के सर्वलेट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर हमें पोस्ट मेथड के फॉर्म में रिक्वेस्ट भेजनी होती तो हमें क्या करना पड़ता, डू पोस्ट मेथड। इसका मतलब अगर हम फॉर्म से डेटा भेज रहे हैं, कोई सेंसिटिव डेटा भेज रहे हैं जो कि पोस्ट फॉर्म के फॉर्म मेथड के फॉर्म में डेटा जा रहा है, तो हमें डू पोस्ट के फॉर्म में यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन देनी पड़ती। इसी तरह HTTP सर्वलेट जो है वो प्रोटोकॉल स्पेसिफिक है, अगर आप प्रोटोकॉल स्पेसिफिक काम करना चाहते हो डू गेट डू पोस्ट, तो हम लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग काम करते हैं अलग अलग मैथड्स को ओवरराइड करके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैथड्स को ओवरराइड करना नेटबीन्स में बहुत ईजी है। जैसे अगर आपको टू पोस्ट की बॉडी नहीं है तो आप ऑल्ट इंसर्ट
की प्रेस करना है, यहाँ एक ऑप्शन आ जाएगा ओवरराइड मेथड, उसके बाद आपको ओवरराइड पे क्लिक करना है और टू पोस्ट को सेलेक्ट कर लेना है, जो भी मेथड आप ओवरराइड करना चाह रहे हो, जैसे टू हेड भी करना चाह रहे हो टू पोस्ट, उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर जनरेट कर दीजिए, दैट्स इट, अपने आप से मेथड ओवरराइड हो जाएगा। और आप क्या कर सकते हो, इसकी बॉडी को हटा सकते हो और अपनी स्पेसिफिक बॉडी, चाइल्ड स्पेसिफिक बॉडीज यहाँ पे दे सकते हो। तब आपको जो पोस्ट मेथड के फॉर्म में रिक्वेस्ट आए उस पर काम करना हो, ये डू पोस्ट में कर दीजिए, और जो गेट मेथड के फॉर्म में रिक्वेस्ट आए उस पर काम करना हो तो यहाँ पे डू गेट में कर दीजिए। आप कॉमन इम्प्लीमेंटेशन दे भी सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे कोई फंक्शन बना लें उसको इस पर भी कॉल कर लें, इस पर भी कॉल कर लें, और अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म करके काम कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने इस वीडियो में देखा कि हम HTTP सर्वलेट की हेल्प से अपना यूज़र डिफाइंड सर्वलेट कैसे बना सकते हैं और उसको कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, एनवायरनमेंट मैपिंग कर सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग बहुत सारी वीडियोज़ लाने वाले हैं जावा से रिलेटेड, एंड्रॉयड से रिलेटेड, और हम लोग पाइथन से रिलेटेड भी वीडियोज़ लाने हैं और अदर प्रोग्रामिंग रिलेटेड वीडियोज़ लाने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।